लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री श्रीनिवास ने प्रदर्शन के दौरान इंडिया फर्स्ट न्यूज से किया खास बातचीत। अजय मिश्रा का इस्तीफा चाहिए, किस तरीके के लखीमपुर खीरी में जो वहाँ इवेंट था वो बीजेपी का इवेंट था, उस इवेंट में चीफ गेस्ट था, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री गेस्ट था, जो गेस्ट को लाने कौन जा रहा था, केंद्र राज्य गृह मंत्री का बेटा वहाँ वो लेने जा रहा था। उसके बाद जो किसानों के साथ जो किसानों को जो उछलने का जो काम किया वो बीजेपी का मंत्री का बेटा ने किया है। लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिले। मंत्री की बर्खास्तगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना असंभव है। सरकार आरोपी को हाजिर होने का निमंत्रण भेजकर क्या संदेश देना चाहती है? सरकार दोषियों को संरक्षण नहीं। अजय मिश्रा राज्य केंद्र गृह मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। जो लखीमपुर खीरी का जो किसान हत्यारों का जब तक उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा। इन लोग ने एसआईटी बनाया करके जो ड्रामा कर रहा है, जो केंद्र राज्य गृह मंत्री का दबाव में कोई जो फ्री एंड फेयर जस्टिस नहीं मिलेगा उस किसान के साथ, जब तक ये केस में क्लैरिटी नहीं होगा तब तक उनको उनके मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, जब तक नहीं देगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। मैं जहाँ जहाँ गई, जिस परिवार में गई, 1 करोड़ का मुआवजा मिला है कहीं को, कुछ लोगों को 45 लाख इधर की सरकार ने दिया है, 1 करोड़ कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उनको मुआवजा मिला है। जानते क्या कहते हैं मुझे, दीदी हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है, वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी? इस देश में जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उससे जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है कि उसकी सुनवाई हो, उसकी समस्या का समाधान हो, कि उसको न्याय मिले। कोई अपराध हो जाए, कुछ गलत हो जाए, अपने हाथरस में देखा एक लड़की के साथ क्या नहीं किया इन्होंने, उसके परिवार के साथ फिर क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको किस तरह से जलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया भी, अंतिम संस्कार में आप सोचिए आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आप अपनी बच्ची को देख भी नहीं पा रहे हो, उसके बाद उसको किसी ने जाके जला दिया बगैर आपको बुलाए, आपको कैसा लगेगा? किससे न्याय मांगोगे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो किससे न्याय मांगोगे, किसके पास जाओगे? दोस्तों आपको क्या लगता है, अजय मिश्रा से बीजेपी हाईकमान को इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।